कैसे हैं आप सब लोग, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन गाइस। आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। इस सीरीज में 4 जो है वीडियोस आएंगी फेस्टिव आउटफिट आइडियाज़ के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आई गेस इस साल की दिवाली के लिए, बिकॉज दिस ईयर आई गेस नोबडी इज़ गोइंग एनीवेयर इन दिस दिवाली। सो घर पे रह के हमें सेलिब्रेट करना है बहुत ही अच्छे से तैयार होके। लाइक घर पे भी दिवाली है सो हमें तैयार होना तो बनता है। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विथ यू ऑल। दिस इज गोइंग टू कम इन 4 पार्ट्स। सो ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू हैव मिस्ड एनी वन इन केस। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट, और देख लीजिए ये फेस्टिव आउटफिट्स वाला वीडियो। बाय। तो इस वीडियो में सबसे पहला वाला आउटफिट ये है। ये है एक प्लाजो सेट, अमेज़ॉन से मैंने ख़रीदा था कुछ 500 के अंडर। मैंने जो हॉल किया था उसमें इसको मैंने इस वाले इयररिंग्स और इस वाले चप्पल्स के साथ मैंने पेयर किया हुआ है। बहुत अच्छा एक रबर का फॉइल प्रिंट है इसके ऊपर, रबर प्रिंट नहीं, फॉइल प्रिंट है इस कुर्ती के ऊपर। और नीचे का जो प्लाजो है वो भी पूरा चेक्स में है। ऊपर की कुर्ती भी हालांकि चेक्स में है, लेकिन इसके ऊपर जो है अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो है मोटिव्स बने हुए हैं, एंड बहुत अच्छा एलिगेंट लुक देती है। इसका कलर एक बहुत ज़्यादा फेस्टिव कलर है, इसके लिए मैंने इसको इस वाले सीरीज़ में ऐड किया हुआ है। बहुत अच्छा एक यू नो एलिगेंट लुक आता है। आजकल जो है फॉइल प्रिंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। पीछे की साइड आप देख सकते हो कुर्ती बिल्कुल भी प्लेन है। बढ़ते हैं सेकंड वाले आउटफिट की तरफ। ये वाला आउटफिट भी मैंने अमेज़ॉन से ही ख़रीदा था, कुछ 600 या 700 800 के रेंज में है। ये शरारा सेट, ये जो है ऊपर की कुर्ती इस तरीके की ब्लू है जिसके ऊपर गोता पत्ती का वर्क किया हुआ है, एंड जो नीचे का शरारा है वो भी पूरा यू नो भरा हुआ है। इसको मैंने जो है इस वाले चोकर नेकलेस के साथ पेयर किया हुआ है, और चोकर नेकलेस के साथ ही मुझे इयररिंग्स मिले थे, मैंने उसके साथ इसे पेयर किया हुआ है। बहुत अच्छा एक एलिगेंट लुक आता है आपको घर में ही दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, एंड बहुत ही मतलब फेस्टिव भी लगता है एट द सेम टाइम। तो बढ़ते हैं तीसरे वाले आउटफिट की तरफ। तीसरे वाले आउटफिट में मैंने ये वाला कुर्ता पहना है जो ऑरेंज एंड पिंक कलर का है, बिल्कुल भी फेस्टिव, एकदम ही फेस्टिव लगता है, जिसको मैंने इस वाले जूती और इस वाले इयररिंग्स के साथ पेयर किया हुआ है मैचिंग ऑरेंज इयररिंग्स के साथ। ये कुर्ता जो है मैंने पैंटलून से ख़रीदा था, रंगमंच से, रंगमंच ब्रांड का है ये, एंड इसके नीचे जो है मैंने गोल्डन प्लाजो पहना हुआ है। ये हालांकि किसी प्लाजो के साथ नहीं आया था, इसे मेरे पास गोल्डन प्लाजो था तो मैंने उसके साथ इसे पेयर कर लिया। इसमें एक बीच में पूरी ऊपर से लेके नीचे तक गोल्डन कलर की बॉर्डर है बीच में, इसको मैंने ये वाले ऑरेंज इयररिंग्स के साथ पेयर किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा यू नो फेस्टिव है ये कुर्ता, इसलिए मैंने इसके साथ गले में कुछ नहीं पहना, और इयररिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा मतलब एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखे हैं। तो ये था मेरा थर्ड आउटफिट। चलते हैं फोर्थ आउटफिट की तरफ। फोर्थ वाला आउटफिट है ये रेड वाला कुर्ता, इसको मैंने ये वाले इयररिंग्स के साथ पेयर किया हुआ है, और गले में मोतियों की लड़ पहनी हुई है। इसके साथ मैंने पेयर किया है ये गोल्डन दुपट्टा और वही वाला गोल्डन प्लाजो। प्लाजो गोल्डन कलर का जो है हर एक ऑलमोस्ट कुर्ती के साथ चला जाता है, ये मस्ट हैव में से एक है, तो इसलिए जो है मैंने ये ख़रीद के रखा है अपने पास। ये है क्लोजअप लुक, जो गले में आप देख सकते हैं कि मैंने मोतियों का नेकलेस पहना हुआ है, एंड कान में जो है एक बहुत अच्छी बड़ी सी फेस्टिव इयररिंग पहनी हुई है, जो कि बहुत अच्छे से जा रही है इस वाले रेड कुर्ती के साथ। चलते हैं अगले वाले आउटफिट की तरफ। अगले वाले आउटफिट पे मैंने ये वाला स्काई ब्लू सी ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ है, जिसको मैंने इस वाले इयररिंग्स के साथ पेयर किया है, और ये वाली जूती पहनी हुई है। ये वाली कुर्ती में ख़ास बात ये है कि बीच में इसकी जो
पार्टीशन है बीच में उसमें ये पूरा जो है मिरर वर्क किया हुआ है। ये रियल मिरर वर्क है गाइस, कोई फॉइल मिरर वर्क नहीं है। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेस्टिव लगता है अगेन, और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब टू द फेस्टिव साइड है, डेली यूज़ के लिए मतलब वैसा वाला कलर नहीं है इन शॉर्ट। तो इसीलिए जो है मैंने इसको इस वाले सीरीज़ में ऐड किया है। आप देख सकते हैं मिरर कितने ज़्यादा फ्लैश हो रहे हैं मेरे रिंग लाइट में। एंड इसको जो है क्लोजअप में अभी आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से मैंने ये वाले इयररिंग्स के साथ इसको पेयर किया हुआ है। अगेन एक डार्क लिपस्टिक लगा लीजिए, एक अच्छा सा ब्लश और हाइलाइटर लगा लीजिए, आपका फेस्टिव लुक बहुत ही ज़्यादा ईजिली बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। बाय।